चलो आज हम लोग एक नया प्रोग्राम करते हैं जिस प्रोग्राम का नाम है पीक लैटिन। ठीक है, पहले समझते हैं पीक लैटिन वर्ड होता क्या है, कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, जैसे मानो ये एग्जांपल मैं लिखा वर्ड, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं कि कहां पे पहला वॉवल आ रहा है, फर्स्ट वॉवल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ फर्स्ट वॉवल है इस वर्ड का, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से लेकर लास्ट तक पूरा सेंटेंस को या पूरा वर्ड को लिख दिए, तो ओ आर डी लिख दिए, उसका बाद जो कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट पार्ट था, उसको यहां पे चिपका दिए। ठीक है, और लास्ट में ए वाई को हम लोग और ऐड कर दिए। समझ आया? जैसे एग्जांपल देखो, पिग, पिग में क्या हुआ, आई आई पे फर्स्ट वॉवल आया, तो हम लोग इस फर्स्ट वॉवल से लेके एंड तक वर्ड को लिख दिए, तो आई जी लिख दिए, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट था उसको यहां पर लिख दिए उसके बाद, और लास्ट में ए वाई उसमें ऐड कर दिए उस वर्ड में। जैसे एक और एग्जांपल लैटिन, तो हम लोग का फर्स्ट वॉवल कब मिला, ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए टी आई एन लिखे, देखो ए टी आई एन फर्स्ट वॉवल से लेकर एंड तक, उसके बाद हम लोग को जो एल था उस वहां पे ऐड किए, और फिर हम लोग ए वाई को उसके लास्ट में ऐड कर दिए। जैसे अगर मानो बाई चांस ईट, जैसे ईट एग्जाम्पल में ई फर्स्टी वर्ड फर्स्टी कैरेक्टर हम लोग का वॉवल आ जा रहा है, तब क्या करेंगे, वहां से लेकर लास्ट तक लिख दिए, वहां से लेकर लास्ट तक लिख दिए, और लास्ट में ए वाई उसमें ऐड कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे, कॉनकैट कर देंगे। समझ आया? सो पिग लैटिन वर्ड ऐसे काम करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं कि इसको, इसका कोड चलो अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्लास का नाम ले लिया पिग लैटिन, फिर स्टैटिक वर्ड मेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग एस वन को अभी ब्लैंक रखा है, फिर इंट एल इक्वल टू जीरो, फिर मैंने एक वर्ड लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर अ वर्ड, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर अ वर्ड। ठीक है, एंटर अ वर्ड में हम मैंने एक काम किया, पिग डाल दिया, क्या डाल दिया, पिग पी आई जी। ठीक है, सो फिर अगला लाइन क्या है, एस वन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, तो एस सी डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, वो इस जो वर्ड हम लोगों ने इनपुट किया उसको रीड करके एस वन में इनपुट डाल देगा। समझ आया? फिर अगला लाइन क्या है, l इक्वल टू एस वन डॉट लेंथ, l इक्वल टू एस वन डॉट लेंथ, तो l क्या करेगा बताओ, ये एस वन डॉट लेंथ मतलब, तो पिग, पिग में कितना वर्ड्स है, थ्री, तो हम लोग का l में कितना आ जाएगा, थ्री। समझ आया? ठीक है, सो यहां तक हम लोग का हो गया कोड, अब हम लोग चलो इसका मेन कोड को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा। चलो हम लोग इसका कोड को देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं कैर सी एच नाम का, ठीक है, और इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, और एक लेते हैं इंट आई लूप चलाने के लिए, और इंट पी इंडेक्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसमें सीरो ही डाल दे रहे अभी के लिए। अब देखो, ठीक है, सो लूप लिखते हैं, सो फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस, अंदर आएगा इफ, इंदर आ जाएगा सी एच इक्वल टू एस वन डॉट कैर एट एस वन डॉट कैर एट आई। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे, जैसे ही पहला वॉवल आएगा हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक, और उसका इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे। जैसे हम लोग का पहला वॉवल कहां पे आया है, वन पे, तो हम लोग को वो पोजीशन चाहिए, तो ये हम लोग का पी है, पी कहां पे पॉइंट करेगा, यहां पे। ठीक है, देखना, सो इफ सी एच डबल इक्वल टू ए और सी एच डबल इक्वल टू ई और सी एच डबल इक्वल टू आई और सी एच डबल इक्वल टू ए ई आई ओ और सी एच डबल इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये सारा स्मॉल लेटर्स हो गया, अब चलो कैपिटल लेटर भी देख, कैपिटल लेटर का लिए सी एच डबल ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए कैपिटल में और सी एच डबल इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल में ई, कैपिटल में आई, ओ कैपिटल में और कैपिटल में ए आई ओ यू कैपिटल में हम लोगों ने लिख दिया, तो इसमें से एक भी मिलेगा तो वो इंडेक्स हम लोग पहला स्टोर कर लेंगे, और जैसे ही हम लोग को मिला हम लोग क्या करेंगे बताओ, यहां पे हम लोग डाल देंगे पी इक्वल टू आई, पोजिशन इक्वल टू आई, और यहां पे हम लोग कर देंगे ब्रेक, यहां पे हम लोग कर लेंगे ब्रेक, यहां पे मैंने देखो ओपन क्लोज ब्रैकेट डाला हुआ है। सो देखो ये काम कैसे करेगा, ध्यान से समझना, ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, आप एक बार में समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग यहां पे आएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग यहां पे जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप,
यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड स्टेप। फिर यहाँ अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लोग इसके अंदर आ जाएंगे, फिर ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और फिर यहाँ से अगेन यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, समझते हैं। सो देखो सबसे पहले आई कितना है, जीरो। सो क्या जीरो लेस देन थ्री है, ट्रू। हम लोग का एल कितना है, थ्री, ट्रू। हम लोग अंदर गए, अंदर जाके क्या हुआ, सी एच इक्वल टू एस वन डॉट कैर एट आई, मतलब क्या आ गया, आई में कितना है, जीरो। तो एस सी एच में क्या आ गया बताओ, सी एच में आ गया पी। तो देखो क्या पी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा क्योंकि ये सब वॉवल्स है। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हम लोग सीधा उठकर यहाँ पे आ गए और यहां से अगेन कहाँ गए, आई प्लस प्लस के पास। देखो ये इफ का क्लोजिंग है, यहाँ पे हम लोग का फॉर लूप का क्लोजिंग है, ठीक है। सो ये यहाँ पे होगा, ये इफ का क्लोजिंग मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, यहाँ पे। सो इसके बाद अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बन जाएगा, वन। क्या वन लेस देन थ्री है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे अंदर, अंदर गए तो सी एच इक्वल टू हुआ एस वन डॉट कैरेट आई, आई कितना है, वन। तो सी एच में कितना आ गया, सी एच में आ गया हम लोग का आई, और आई तो एक वॉवल है तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो पी में कितना आ गया हम लोग का, पी में आ गया वन, और हम लोग संग संग हो गए ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक हुए हम लोग कहां आ गए, ब्रेक होते ही हम लोग आ गए सीधा लूप के बाहर, कहां पे आ गए हम लोग, सीधा लूप के बाहर आ गए। सो हम लोग को पी मिल चुका है। अब इसके बाद का चीज हम लोग को देखना है, तो मैं अभी आपको बताता हूं। हम लोग को जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए पहले हम लोग को सबस्ट्रिंग नाम का जो मेथड है उसका फंक्शन को समझना होगा। देखो आई बटन पे लिंक आ रहा हूँ, वहां जाके आप लोग देख लो, मैंने वहां पे अच्छे से बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे मानो S2 कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मानो उसमें लैटिन मैंने स्टोर किया हुआ, ठीक है, लैटिन। अब मैं करता हूँ SOPLN S2.substring 1। तो देखो अगर मैं सिर्फ एक नंबर डालता हूं इधर, 1 डाला मैंने, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेकर, मतलब हम लोग का आउटपुट आ जाएगा ATIN, मतलब 1 से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक। देखो सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा स्ट्रिंग का छोटा सा कोई पार्ट। तो हम लोग को क्या मिल गया, ATIN मिल गया। कैसे मिला, 1 से लेकर 4 तक का जो छोटा सा पार्ट था वो कट कर हम लोग को मिल गया, ठीक है, समझ आया। अब एक और चीज, मैंने ये हो गया पहला का आउटपुट, दूसरा में मैंने लिखा SOPLN S2.substring 1.4। अब देखो इस केस में क्या होगा, देखना, ये 1 से स्टार्ट होगा, ये क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट, और ये क्या है एंडिंग पॉइंट, माइनस 1 हो जाएगा, और यहां पे ये क्या है स्टार्ट, ये एंडिंग पॉइंट माइनस 1 मतलब क्या होगा, देखो स्टार्टिंग पॉइंट है 1, तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग का प्रिंट होगा, कहां तक, 3 तक। मतलब अगर ये 4 डाले तो हम लोग का एक कम प्रिंट होगा, क्या मतलब 3 तक का प्रिंट होगा, मतलब इधर का आउटपुट क्या जाएगा ATI प्रिंट हो जाएगा, बट समझ आया। तो जब हम लोग कोई एक स्ट्रिंग डालते हैं तो हम लोग का वो इंडेक्स स्टार्ट होके लास्ट तक प्रिंट हो जाता है, लास्ट तक। देखो हम लोग का ATIN पूरा आउटपुट आ गया, ये वाला पहला का आउटपुट, ठीक है। और दूसरा में जैसे 1.4 डाले तो हम लोग आउटपुट क्या आया, 1 से लेकर 3 तक आया, बट हम लोग डाले यहां 4 थे, मतलब एंड माइनस 1 तक आउटपुट आया, समझ आया। सो इस प्रोग्राम में भी हम लोग को सबस्ट्रिंग का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे। देखो अब हम लोग समझते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S1.substring P। अब देखो P हम लोग का क्या है, 1, तो एक्चुअल में वहां पे क्या होगा समझना। सबसे पहले S1.substring P, तो यहां पे क्या होगा P, मतलब P से लेकर लास्ट तक का जो हम लोग का स्ट्रिंग है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है इधर पे हम लोग को क्या मिलेगा, IG मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा IG। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई एक इंडेक्स डालते हैं वहां से लेकर लास्ट तक का स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाता है कट के, ठीक है। फिर मैंने सेकंड में क्या डाला, S1.substring 0.p, 0.p मतलब 0 से लेकर हम लोग को कहां तक का स्ट्रिंग मिलेगा, P-1 तक, ये स्टार्ट है और ये एंड -1, याद रखना। तो P क्या है, 1, तो हम लोग को सिर्फ क्या मिलेगा, P मिल जाएगा ना, क्योंकि 1 से छोटा क्या है, 0 ही है, तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ P मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां पे पी मिल गया, और इस पूरे में आईजी पी और एवाई, तो देखो हम लोग का क्या बनेगा, आईजी पी एवाई, तो ये हम लोग का क्या आ गया, पीक लैटिन वर्ड। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट इज आईजी पी, ठीक है। और याद रखना ये जो एवाई होता है ना, ये कैपिटल अपर केस में होता है,
देखो थोड़ा एक और एग्जांपल समझाता हूँ कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोग देखना। जैसे मानो फॉर एग्जांपल फ्लावर है, क्या फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर का देखना 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पे हम लोग का P पहला कहां P मिलेगा, 2 में, कहां पे मिला 2, तो यहां पे हम लोग का P क्या है, 2 है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को यहां से लेकर यहां का स्ट्रिंग को क्या करना होगा, पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग का आउटपुट क्या है, देखो O W E R, ठीक है, और फिर हम लोग का F L, F L लास्ट में आज चिपक जाएगा F L, और इसके साथ हम लोग को क्या जोड़ना होगा, A और Y, समझ आया। देखो एक्चुअल में क्या है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, मानो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सोचो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना होगा, सोचो s1 dot substring हम लोग को क्या लिखना होगा, O से लेकर लास्ट तक, O से लेकर लास्ट तक मतलब 2 लिखना होगा, क्या लिखना होगा, 2, मतलब एक्चुअल में तो यहां पे P लिखा हुआ है, देखो P लिखा हुआ है ना, P का वैल्यू ही क्या है, 2 है। फिर हम लोग को इसमें क्या स्ट्रिंग जोड़ना होगा, अब हम लोग को FL चाहिए, तो FL कैसे आएगा, 0 से लेके 1 तक हमको 0 और 1 चाहिए, तो हम लोग को क्या लिखना होगा, 0 से 2, तभी 2-1 वाला मिलेगा, हम लोग को ये पार्ट चाहिए ना, ये वाला पार्ट। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, s dot substring हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, 0, P, अरे P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू तो 3 है ना बॉस, सॉरी P का वैल्यू तो 2 है, तो हम लोग को 2 से 1 कम मिलेगा, मतलब हम लोग को 0 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, AY को जोड़ देंगे। तो देखो इसमें हुआ क्या, समझते हैं, तो यहां तक ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग को क्या मिला, OWER हम लोग को ये वाला पार्ट मिला, तो ये हम लोग को क्या, फर्स्ट पार्ट यहां से लेके लास्ट तक। फिर सेकंड में देखो हम लोग को S dot substring 0, P, तो P से कम, P यहां पे, P कहां पे, 2 पे, तो P से कम तक का हम लोग को कट के मिल जाएगा, मतलब हम लोग को क्या मिल गया, ये वाला रन हुआ तो FL मिल गया, और लास्ट में इसके साथ क्या जुड़ गया, AY। तो देखो हम लोग का फ्लावर का भी substring मिल गया, समझ आया, मैंने एक और एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ पे हम लोग का पिग लैटिन होता है कंप्लीट। हम लोग चलिए अब इसको अपने पीसी में रन करके देख लेते हैं, हम लोग अपना प्रोग्राम का कोड देख लेते हैं, ठीक है। सो पहले इंपोर्ट java.util*, क्लास का नाम रख देते हैं पिग लैटिन, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर का स्कोपिक बनाएंगे, सो स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, यहाँ पे सी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू, ठीक है, डबल ओपन क्लोज कोट्स, फिर एक और स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें हम लोग पिग लैटिन वर्ड स्टोर करेंगे, तो स्ट्रिंग एस टू इक्वल टू ओपन क्लोज कोट्स। फिर हम लोग एक और इंट एल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डालते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड, क्या करेंगे, एस वन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, फिर एल इक्वल टू एस वन डॉट लेंथ कर देंगे, ओके। अब एक एक करके हम लोग लिख देते हैं, एस वन क्या है, टू स्टोर द वर्ड एंटर्ड बाई द यूजर, ठीक है, और एस टू का काम क्या है, इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग, ओके, कॉपी करके यहां पेस्ट करते हैं, टू स्टोर द मॉडिफाइड स्ट्रिंग, ठीक है, या मॉडिफाइड वर्ड लिख देते हैं, टू स्टोर द मॉडिफाइड वर्ड, और एल क्या करेगा, टू स्टोर द लेंथ ऑफ द वर्ड, ठीक है, हो गया। तो यहां तक हम लोगों का हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं कैर सी एच और उसमें स्पेस डाल देते हैं, ठो मतलब इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, सो मैं इंट आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ और लूप चलाता हूँ, फॉर आई इक्वल टू जीरो सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस,
ठीक है, यहां पे क्या होगा, क्या सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट ऑफ आई, ठीक है, एस डॉट कैर एट ऑफ आई, और हमको एक और वेरिएबल ले लेना था इंट पोजिशन, ठीक है, इंट टी नाम का वेरिएबल ले लिया है, इधर क्या लिखेंगे, टू स्टोर स्टोर द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट वॉवल इन द स्ट्रिंग, टू स्टोर द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट वॉवल अकरिंग इन द स्ट्रिंग, अकरिंग इन द स्ट्रिंग, ठीक है, तो सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट ऑफ आई हो गया, फॉर लूप चला दिए। अब हम लोग क्या चेक करना होगा, कंडीशन लगाना होगा, क्या देखो, इफ सी एच डबल इक्वल टू कॉमा देखे ए स्मॉल ए, अब चलो हम लोग इसी को कॉपी कर देते हैं और, ठीक है, इसको कॉपी करते चलते हैं, कॉपी ई ए ई आई ओ यू, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसको क्लोज होता है। अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे मैंने ई कर दिया स्मॉल ई, फिर यहाँ पे मैंने आई कर दिया, यहाँ पे ओ कर दिया स्मॉल यू, यहाँ पे स्मॉल यू कर दिया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने कैपिटल ए कैपिटल ई कैपिटल आई कैपिटल ओ और कैपिटल यू कर दिया, समझ आ गया सबको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे ही हम लोग को पहला वॉवल मिला, हम लोग इफ के अंदर जाएंगे और P में I को स्टोर कर देंगे, P इक्वल टू आई सेमीकोलन, और यहां पे हम लोग P इक्वल टू I स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक, ठीक है, उसके अगले लाइन में हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक, तो हम लोग फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे इफ का क्लोजिंग हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का फॉर का क्लोजिंग हो जाएगा। अब हम लोग अपना जो सबस्ट्रिंग है उसको स्टोर करेंगे, किसमें, एस टू में, जो न्यू मॉडिफाइड स्ट्रिंग है उसको स्टोर करना है, तो S2 क्या होगा, S2 इक्वल टू S1 डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ P, ठीक है, प्लस S1 डॉट सब स्ट्रिंग 0, P, ठीक है, और लास्ट में हमको क्या जुड़ना होगा, कैप्स लॉक में या अपर केस में A Y, तो यहां पे हम लोग का S2 हो जाता है क्रिएट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट println desired output, ठीक है, is equal to यहां पे, और इधर हम लोग क्या लिख देंगे, s2, ओके, यहां पे हम लोग का प्रोग्राम होता है कंप्लीट, यहां पे क्लोज करते हैं, यहां पे n मैंने गलती से i less than n डाल दिया, यहां i less than l होगा, और तो कोई गलती नहीं लग रहा, कंपाइल करते हैं, ओ एस, यहाँ पे एस वन होगा, ठीक है, एस वन कंपाइल करें, ओ सॉरी यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाना भूल गया मैंने, यहाँ पे एंटर अ वर्ड होगा, ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिग डाल के देख लेता हूँ क्या होता है, तो डिजायर्ड आउटपुट इज आई जी पे, चलो एक बार और रन कर लेते हैं, फ्लावर डाल लेते हैं, फ्लावर, तो आवर प्ले, मतलब हम लोग पूरा प्रोग्राम अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, लास्ट एक बार मैं या ईट डाल देता हूँ, ईट क्या आया, ईट ए, क्योंकि पहले में ही वॉवल आ गया, तो ई ए टी ए वाई लास्ट में ज्वाइन हो गया, ठीक है, तो हम लोग का पूरा प्रोग्राम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो हम लोग का पूरा प्रोग्राम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मैं इस प्रोग्राम का कोड को अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, थैंक यू।